झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और इस बार हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जानने जा रहे हैं। इसके पहले हम उनके संस्मरणात्मक लेख प्रेम घन की छाया इस स्मृति के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो चलिए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन के बारे में। उनका जन्म 1884 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1941 में हो गई। उन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उसमें उनका एक ऐसा ग्रंथ है जिसने उनको सदा सदा के लिए हिंदी साहित्य में अमर बना दिया है और वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि जिसके कि चार खंड हैं, रस मीमांसा नामक ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया है, उनमें से एक का नाम है जायसी ग्रंथावली और दूसरे का नाम है भ्रमर गीत सार। उन्हें बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से भी मंडित किया गया है। शुक्ल जी का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी एक मानक इतिहास की प्रतिष्ठा रखता है, उसे किसी भी तरह से उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती और वही भारतीय साहित्य के इतिहास की आधार भूमि की रचना भी करता है। इस क्षेत्र में उनका यह पहला ग्रंथ है। तो यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो, कोई जिज्ञासा पैदा होती हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न जरूर डालें, हमें उसका उत्तर देते हुए बेहद खुशी होगी। नमस्कार।